तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख लो कि मुझे टीवीएस क्रेडिट साथी लोन एप्लीकेशन द्वारा पूरे 1,00,000 का मुझे यहाँ पर पर्सनल ऑफर कर रहा है जो अभी यहाँ पर अप्लाई प्रूफ देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको भी टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर पर्सनल अप्लाई करना है और आपको नहीं आता है कि टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर कैसे पर्सनल अप्लाई किया जाता है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर कैसे पर्सनल अप्लाई कर सकते हो और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको सीधा आपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको भी टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर पर्सनल लेना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर आने का दोस्तों यहाँ पर आपको इस लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीवीएस क्रेडिट साथी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ पे ओपन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको ओपन वाले ऑप्शन से क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप ओपन वाले ऑप्शन से क्लिक करोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है ऐप परमिशन, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से आपको टीवीएस लोन एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन देना होगा। तो परमिशन देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वो एक्सेप्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन से क्लिक करके यहाँ से वो टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। और परमिशन देते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है चूज लैंग्वेज, यानी दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन को कौन से लैंग्वेज में यूज करना चाहते हो। इंग्लिश में करना चाहते हो, तमिल में करना चाहते हो, हिंदी में करना चाहते हो, और भी काफी सारा लैंग्वेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम यहाँ से इंग्लिश वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। फिर नीचे लॉगिन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप लॉगिन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर जो भी मोबाइल नंबर यहाँ से प्रोवाइड कराओगे उस मोबाइल नंबर टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन द्वारा एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके वहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से आपको ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है क्रिएट ए न्यू एम पिन। तो दोस्तों यहां पे आपको 4 डिजिट का आपको पिन इंटर कर देना है कि आप जब भी टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन को ओपन करो तो वो पिन यहाँ पे आपको लॉगिन करने के टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट ऊपर आपको पिन इंटर कर देना है। फिर आप जो पिन ऊपर आप इंटर करोगे सेम वही पिन यहाँ पे आपको नीचे इंटर करके यहाँ से आपको सबमिट का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना एम पिन क्रिएट करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर यहाँ से आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। और होम स्क्रीन पर आने के दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें दोस्तों आप यहाँ से टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर काफी टाइप के यहाँ से आप लोन ले सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर 2-व्हीलर लोन भी यहाँ पे दिया जाता है, कार लोन भी यहाँ से आप ले सकते हो, पर्सनल लोन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ट्रैक्टर लोन भी यहाँ से आप ले सकते हो, बिजनेस लोन भी दिया जाएगा, गोल्ड लोन भी यहाँ से आप ले सकते हो, 3-व्हीलर भी लोन यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों और भी काफी सारा लोन यहाँ पे आपको दिया जाता है, लेकिन दोस्तों हमें टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर पर्सनल लोन लेना है तो आपको तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन पर्सनल लोन का। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन पर्सनल लोन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप ऑनलाइन पर्सनल लोन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहां पे वो पहले ही बताया जाता है कि आप टीवीएस क्रेडिट साथी एप्लीकेशन अंदर लोन अप्लाई करने में आपको जी यहां पर देख लो 100% पेपरलेस प्रोसेस के साथ यहां पे आपको लोन मिलेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहां पे आपको नहीं देना है। और दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो क्विक एंड इजी एप्लीकेशन है दोस्तों, तो यहां से आपको लोन अप्लाई करने का वो करना क्या पड़ेगा, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको लिखा हुआ आएगा गेट स्टार्टेड का, तो यहां से वो गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको टीवीएस एप्लीकेशन में एक बार परमिशन दे देना है। और उसके बाद दोस्तों फिर से यहां से वो गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ देर लोडिंग लेगा। और जैसे वहां से आप 4 से 5 सेकंड समथिंग वेट कर लोगे फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना पेन का नंबर इंटर कर देना है। फिर उसके ठीक सामने वेरीफाई का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से आपको अपना पेन कार्ड को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना पेन कार्ड नंबर इंटर करके हम यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपना पेन कार्ड नंबर इंटर करके वहां से वेरीफाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप पेन कार्ड में जो भी आपका नाम होगा वो फुल नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपका करेंट पिन कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि इंप्लॉयमेंट टाइप में आप हो क्या, सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेट मंथली इनकम, यानी दोस्तों महीना में कितना कमा लेते हो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप 25,000 से नीचे कमा ले तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, 25 से 50,000 कमा ले तो वह सिलेक्ट कर लीजिए, 50 से 75,000 या 75,000 से अधिक कमा ले तो वह सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपका जो सैलरी आता है वो आपको कैश मिलता है, चेक मिलता है, बैंक अकाउंट मिलता है, वह सिलेक्ट करके नीचे वो दो टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा।
तो आपके दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे प्रोसीड टू आधार केवाईसी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो प्रोसीड टू आधार केवाईसी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से प्रोसीड टू आधार वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार का नंबर इंटर कर देना है। फिर ये जो कैप्चा दिखेगा इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर करके यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं ये कैप्चा अगर आपको अच्छा से अगर नहीं दिखेगा तो उसके ठीक नीचे वो ट्राई अनदर का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जैसे यहाँ से ट्राई अनदर वाले ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ से आपका कैप्चा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो अपने कैप्चा पे इंटर करके यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर टीवीएस किट साथ ही एप्लीकेशन द्वारा एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके वहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना ओटीपी इंटर करके वहां से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लोगे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 6 डिजिट आपको पिन यहाँ पे इंटर करना है, वो भी डिजिटल का करना है। तो 6 डिजिट आप कोई से एक पिन यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, फिर नीचे डन का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको डन वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपने डिजिटल का पिन इंटर करके वहां से आप डन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड डिटेल्स यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। जैसा आपका फर्स्ट नेम देखने को मिल जाएगा, आपका लास्ट नेम देखने को मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और जेंडर भी देखने को मिल जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पर्सनल ईमेल आईडी, तो दोस्तों यहाँ पे अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी कर लीजिएगा। फिर नीचे फादर का नाम इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मदर नेम, तो दोस्तों यहाँ पे अपने मदर का नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो कमाते हो उस पर कितने लोग निर्भर है, यहाँ से वो कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मैटर से सिलेक्ट कर लेना है कि मैटर से आप क्या मैरिड और अनमैरिड हुआ सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है वह सिलेक्ट करके यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से आप नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर लो, फिर दोस्तों अगर आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा है क्या आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे करेंट में रहते हो, अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पे करेंट में रहते हो तो यहाँ से आप यस वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप आधार कार्ड एड्रेस पे नहीं रहते, आप अनदर एड्रेस पे रहते हो, तो यहाँ से आप नो वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रहते हैं, तो हम यहाँ से यस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और जैसे वहां से आप करेंट स्टेटस यस या नो सेलेक्ट कर लोगे, फिर दोस्तों यहाँ पे लोन ऑफर बता देगा कि आप टीवीएस किट साथ ही एप्लीकेशन अंदर कितना लोन के एलिजिबल हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे केस में बताया जा रहा है कि हम टीवीएस किट साथ ही एप्लीकेशन अंदर पूरे 1 लाख का पर्सनल लोन के एलिजिबल है। तो आपको जितना भी लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आप उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में लेना है तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको लिखा होता है इंटर लोन अमाउंट। तो दोस्तों आपको जितना भी लोन ऑफर किया गया है पूरा लोन अमाउंट लेना चाहते हो, उसे कम लोन अमाउंट लेना चाहते हो, वह सिलेक्ट करके यहाँ से वो अप्लाई वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे यहाँ से अप्लाई वाले ऑप्शन क्लिक करोगे फिर आपके सामने आ जाएगा एड बैंक अकाउंट। दोस्तों आप जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हो उसे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिएगा। और बैंक अकाउंट डिटेल्स देते ही वहां से अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर लेना है। और जैसे वहां से अपना सेटअप ऑटो पे कंप्लीट कर लोगे, फिर दोस्तों लगभग 2 से 3 घंटा के अंदर में आपने जो भी बैंक डिटेल्स दिए हो उसी बैंक में सक्सेसफुल यहां से टीवीएस किट साथी एप्लीकेशन द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप भी अगर सेम इसी प्रकार से टीवीएस किट साथी एप्लीकेशन द्वारा जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप टीवीएस किट साथी एप्लीकेशन द्वारा कैसे पर्सनल लोन ले सकते हो और आपको जो नंबर यहाँ पे दिया जाएगा उसको अपने सीधा बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप भी जाइए सेम इसी प्रकार से टीवीएस किट साथी एप्लीकेशन अंदर जाके पर्सनल अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि आप टीवीएस किट साथी एप्लीकेशन अंदर जाते हो पर्सनल अप्लाई करने और हो सकता है कि किसी भी कारणवश अगर आपके यहाँ से लोन रिजेक्ट हो जाता है या अगर आपको लोन ऑफर नहीं किया जाता है, तो दोस्तों आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सच में शेयर पर्सनल लोन लेना चाहते हो और आपको पैसों कुछ ज्यादा इमरजेंसी आ गई है। और लोन मार्ग अगर बात कर ले तो अगर आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक का लोन मार्ग लेना है और वही पैन का आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करके ही, तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फिटर एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिलेगा जहां से मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम पूरे 1 लाख तक का लोन मार्ग ले सकते हो और वो भी ओनली फॉर केवाईसी करके ही। तो दोस्तों आपको सच में इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना तो आप जाकर उन फिटर एप्लीकेशन में जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो इतना का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।